हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जैकेट की कटिंग के बारे में बताया था, और अपनी इस वीडियो में आपको जैकेट की स्टिचिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। अब हम सबसे पहले अपने तीरे जोड़ेंगे। ये हमारी जैकेट का पीछे वाला पल्ला है, इस तरह से, और ये हमारी जैकेट के फ्रंट वाले पल्ले हैं, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरे वाला पल्ला लेंगे, फ्रंट वाला, और दूसरी साइड का भी तीरा जोड़ देंगे अपना। अब हमें जैकेट के आगे वाले स्लिट पे लगाने के लिए हमने एक पट्टी की कटिंग करनी है, जिसकी यहाँ से ऊपर से चौड़ाई रहेगी। हमने कॉट कॉलर बनाना है, तो उसकी ये पट्टी जो अंदर पट्टी लगेगी, ये उसकी कटाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो ऊपर से चौड़ाई रहेगी 6.5 इंच, और लंबाई में हमने एक निशान लगाना है 14 इंच पे। और यहाँ से हमने एक मार्क करना है 1.5 इंच पे, इस तरह से, और यहाँ पे भी 1.5 इंच पे। जितनी हमारी जैकेट की लेंथ होगी, उतनी ही हमने ये अपनी पट्टी तैयार करनी है, इस तरह से हम। और यहाँ से इस साइड से हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपनी यहाँ से अपनी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने अपना कपड़ा डबल रखा हुआ है, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे हमने अपनी दो पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम ये आगे वाले हमारे जो पल्ले हैं, ये फ्रंट स्लिट है हमारा, ये देखिए इस तरह से। ये हमारा हमने अपना सीधी सीधी वाली साइड लेनी है, और जो पट्टी है पट्टी की, ये रॉन्ग साइड लेनी है हमने। ये देखिए पट्टी की रॉन्ग साइड है। इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, इस तरह से उसके ऊपर रखना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। ये देखिए यहाँ से हमारा नेक है, यहाँ पे हमने दो दो पैर की सिलाई यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ पे ऊपर ऐसे छोड़ देना है। यहाँ से हमने दो दो पैर की सिलाई करते हुए नीचे तक सीधी सिलाई लगा देनी है अपनी। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने अपनी ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं अपनी। अब इन पट्टियों को इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए, इसको बिल्कुल इसी शेप में काट लेंगे। दूसरी भी सेम इसी तरह से काटनी है हमने। अब हम इसके बाद ये पट्टी हम इस साइड अंदर को ही रहने देंगे। पहले इसको इस तरह से पकड़ते हुए, इस तरह से सेट करते हुए, ये सेंटर वाला पीछे से पकड़ेंगे, और अपने पहले मार्किंग करेंगे कॉलर की। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम अपनी टेप लेंगे, और जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हम सबसे पहले 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। आप इसका मार्क, ये वाला मार्क 2 इंच पे भी कर सकते हो, चाहे 1.25 पे कर सकते हो। बच्चों के लिए ये वाला मार्क हम 1.5 इंच पे करेंगे। इस निशान के बाद, ये वाला निशान हम इस साइड भी लगा लेंगे। इस निशान के बाद हम अपना ये कॉलर का नाप लेंगे यहाँ से, बिल्कुल। ये देखिए मेरा पूरा 8 इंच कॉलर आया है, आपका 7.5 या 7.5 भी आ सकता है,
मेरा पूरा 8 इंच आया, तो मैं 8 इंच के हिसाब से अपने कॉलर की कटिंग करूँगी। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने अपना कपड़ा डबल ले लिया है। डबल करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अपने कपड़े को। अब हम इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। हमने अपने कॉलर की लंबाई लेनी है। कई लोग 4 इंच पे लेते हैं, कई लोग 5 इंच पे। मैंने ये कॉलर कोट कॉलर बना रही हूँ, तो मैं इसकी लंबाई 5 इंच ले लूँगी। अपने बच्चों के लिए आप 3.5 इंच भी इसकी लंबाई ले सकते हैं। इस साइड से भी 5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। अब हमने मैंने अपने कॉलर की जो लंबाई कॉलर का पूरा नाप लिया था, वो लिया था 8 इंच पे। ये हमारा 8 इंच पे मार्क आ गया, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 8.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है अपना। क्योंकि ये हमारा, अगर हम पेस्टिंग पे बनाएंगे या बुकरम पे बनाएंगे, तो पूरा पूरा हम 8 इंच का ही मार्क करेंगे। ये सिर्फ मैं अपना फैब्रिक से कॉलर तैयार करूँगी, तो हमने इस पर, क्योंकि सिलाई में जाएगा, तो 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और इस तरह से इस साइड भी हम 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस लाइन से नीचे की तरफ 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस साइड से हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस साइड से हम इस तरह से, आपके पास अगर अगर शेप पट्टी है तो शेप पट्टी से, नहीं तो हम हाथ से भी इसको इस तरह से हल्का सा कर्व देंगे। और इस जगह से सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर टेप के, हम 2 पॉइंट ऊपर लेके यहाँ से इस तरह से बस हल्का हल्का यहाँ से नीचे की तरफ शेप दे देंगे इस तरह से। अब इस साइड से हमने कर्व दिया है, तो कर्व देने के बाद हमारा थोड़ा सा नाप में कॉलर बढ़ जाएगा, तो हम दोबारा से इसका देख लेंगे एक बार नाप। तो हमने पूरा 8.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, अब ये मार्क इस साइड से आ रहा है। अब हम यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अपनी कटिंग कर लेंगे। इस साइड मैं एरो का मार्क कर लूँगी, क्योंकि ये हमने ऊपर वाली साइड जोड़ना है अपना। ये देखिए, हमारा कॉलर कट गया है पूरा। ये देखिए, इस तरह से हमारा कॉलर कट चुका है। ये देखिए, ये वाली साइड हमारी, जहाँ पे जिस साइड मैंने एरो लगाया है बनाया है, वो वाली साइड हमारी गले वाली साइड जुड़ेगी। सो इस साइड हमने इस तरह से दो दो पॉइंट का गैप देके इस तरह से अपने तीनों साइड अपनी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस साइड हम अपनी इस तरह से अपनी पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, इस साइड हम अपने तीनों साइड अपनी सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस साइड हल्की हल्की आप गोलाई में भी सिलाई लगा सकते हो, हल्की सी गोल शेप भी इसको दे सकते हो कॉलर को। मैं इसमें से हल्के सी गोलाई डाल दूंगी। और यहाँ से हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हम इस जगह छोटे छोटे कट्स डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे कट डाल दिए अपने। कट डालने के बाद इस हम अपने कॉलर को सीधा करेंगे। ये जो मैंने आपको कॉलर बताया, ये बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। इसको कोई भी बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। अब इसको सीधा करने के बाद इस तरह से
इसका प्रॉपर एक सेंटर कर लेंगे, दोनों साइड हमें एक सेंटर का मार्क करना है, दूसरी साइड पे भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। अब हम अपनी इस तरह से जैकेट लेंगे, जैकेट की जो सीधे वाली साइड है उस साइड से ये देखिए, जैकेट की जो सीधे वाली साइड है इस साइड से हम इस तरह से रखते हुए, ये भी फैब्रिक हमारा इस तरह से ऐसे ही रहेगा, इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे। हमने यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्क किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा ये देखिए, इस साइड हमारा मार्क बना हुआ है, इस साइड से हमने पूरा 2.25 इंच पे मार्क किया था, ये साइड मार्क आ गया 2.25 इंच का। यहाँ से हम कुर्ती जैकेट के सीधी वाली साइड से ये सेंटर के साथ सेंटर मिलाएंगे इस तरह से, बिल्कुल पीछे वाली साइड से सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए इस तरह से अपना बैंड को घुमाते हुए यहाँ तक अपना पूरी सिलाई कर देंगे। ये कपड़ा हम फैब्रिक हमारा इस साइड होना चाहिए, यहाँ तक जो हमारा मार्क है वहाँ तक हम अपनी इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे अपनी सिलाई करेंगे। अब यहाँ से हम जो हमने पीछे वाली साइड कट डाला था बिल्कुल वहाँ से, और बैंड का सेंटर जो हमने किया था उसको आपस में जोड़ते हुए यहाँ से पीछे वाली साइड से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। पहले हम एक साइड सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा बैंड बिल्कुल एग्जैक्ट जुड़ेगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। ये देखिए हमारा बिल्कुल इस पॉइंट पे है, जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था बिल्कुल इसी पॉइंट पे लाके हमने अपना बैंड जोड़ना है, सिलाई ख़त्म करनी है। सॉरी, अपनी सेम इसी तरह हम अपने दूसरी साइड भी अपना सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इस निशान से यहाँ पे अपना पूरा बैंड की सिलाई लगाएंगे। अब हम बैंड जोड़ने के बाद, ये वाला बैंड जोड़ने के बाद जो हमने मैंने अपनी पट्टी बाहर को निकाली थी, अब हम इस तरह से ये देखिए, ये हमारा तीरा है, ये हमारा बैंड है इस साइड, इस तरह से इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए, ये बैंड हमारा अंदर वाली साइड रहेगा, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी सिलाई, यहाँ से ऐसे इस तरह से सिलाई लगाते आएंगे। अभी मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं हल्की सी, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई में अपनी सिलाई लगाऊंगी। आप चाहो तो इस तरह से स्क्वायर शेप में भी सिलाई लेके आ सकते हो, मैं हल्की सी गोल शेप दे दूंगी। अब हम जब तीरे की सिलाई की तरफ तक पहुंचेंगे, तब हम इस तरह से अपने कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने इस वाले कपड़े को यहाँ पे इस तरह से कॉलर पे ओवरलैप करके वो करते हुए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम इस साइड अंदर वाली साइड कट डालेंगे छोटे छोटे। अब ये देखिए इस तरह से
हम अपने कॉलर को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे अपनी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। हमने अपनी दोनों साइड सीधी सिलाई इस तरह से किनारी किनारी पे लगा ली है। अब हम इसके रॉन्ग साइड, ये देखिए इसके रॉन्ग साइड, ये वाला जो हमारा फैब्रिक है, इसको इस तरह से हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल पॉइंट पॉइंट का इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे अपनी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हल्का सा हम कट लगाएंगे। अब हम अपनी स्लीव्स जोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम सीधी सिलाई ही स्लीव्स को लगा देंगे। इसी तरह से अपनी दूसरी साइड वाली स्लीव भी जोड़ लेंगे हम लोग। ये देखिए इस तरह से हम अपनी स्लीव्स जोड़ ली हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को आगे से फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम अपनी स्लीव जोड़ ली है हमने। अब यहाँ से हम इस साइड से शुरू करते हुए नीचे तक सीधी सिलाई लगा देंगे अपनी फिटिंग की। ये देखिए हमारी मार्किंग हुई पड़ी है पहले से। सेम इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ से कपड़ा नीचे से फोल्ड करना है अपना। मैंने यहाँ पे सिंगल फोल्ड ही डालना है क्योंकि मैंने यहाँ इसके ऊपर इतनी इतनी चौड़ाई में फर लगानी है अपनी जैकेट के ऊपर। ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की फर पड़ी है। अब मैं इसके ऊपर इतने चौड़े बॉर्डर में फर का एक बॉर्डर तैयार करूंगी इसके ऊपर।
इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी इस तरह से दूसरी साइड कपड़ा फोल्ड करते हुए अपनी सिलाई लगाएंगे।